तो ये अभी अक्टूबर 2023 चल रहा है, और अभी हम सब लोग थियोरेटिकली बहुत सब कुछ पढ़ते हैं, बट अभी बहुत लोगों को टाइफॉइड हो रहा है। तो जनरली कौन से टेस्ट होते हैं या किस तरीके से डॉक्टर डायग्नोज करते हैं? पहले डायग्नोज ऑफ कोर्स करना पड़ेगा ना ट्रीटमेंट से पहले, तो ये हम डिस्कस करेंगे। ये एक केस स्टडी मान लीजिए आप। तो पहले इम्यूनोलॉजी एंड सेरोलॉजी में उन्होंने, मतलब वैसे तो सारे टेस्ट लिख देते हैं वो, डेंगू मलेरिया टाइफॉइड की, सब पहले स्क्रीन कर लेते हैं कि इसमें से जो आएगा फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपके आपको पैसे बचाने हैं तो पहले दो दो टेस्ट कर सकते हो, जो पॉजिटिव आएगा उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहले इस पर्सन ने डेंगू और मलेरिया, सॉरी मलेरिया और टाइफॉइड का टेस्ट किया है। जो मलेरिया का टेस्ट किया है उसमें वाइवैक्स और फैल्सिफेरम ये दोनों स्पीसीज देखे हैं जो कि नेगेटिव आए हैं। फिर बाद में टाइफॉइड का टेस्ट, दैट इज़ विडाल टेस्ट किया फॉर ऑल, लाइक सालमोनेला टाइपी ओ एच और पैरा टाइपी ए एच एंड बी एच, तो उसमें रिजल्ट पॉजिटिव आया है। तो अभी मुझे ये इंटरप्रिटेशन अच्छे से नहीं पता है कि सालमोनेला टाइफी ओ भी पॉजिटिव है यहाँ पे और एच भी पॉजिटिव है, और ऊपर 1/21/40 ये जो साइज जो भी दिया है, तो उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन अगर किसी को पता है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फिर पॉजिटिव आने के बाद ब्लड टेस्ट भी होता है, ऑब्वियसली ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट कॉमन है। तो ब्लड टेस्ट में क्या क्या वो देखते हैं, तो एक तो होता है सीबीसी और एक होता है डीएलसी। सीबीसी में हीमोग्लोबिन और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, जो कि देखा गया कि हीमोग्लोबिन ज़्यादा आया रेंज से, सॉरी कम आया रेंज से, रेंज में होना चाहिए हीमोग्लोबिन। ग्राम परसेंटेज में मेजर किया जाता है, उसका रेंज है 11.5 to 15। और टीएलसी नॉर्मल थे, ऑब्वियसली हमें पता है टीएलसी की नॉर्मल रेंज है 4000 to 10000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट्स काउंट में जो भी टोटल ल्यूकोसाइट होते हैं उसके एक एक सेल्स, लाइक न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, ये सब सेल्स इंडिविजुअली चेक किए जाते हैं। जहाँ पे देखा गया कि जो न्यूट्रोफिल्स थे वो बढ़े हुए थे और लिम्फोसाइट जो थे वो कम थे। न्यूट्रोफिल बढ़ने का रीज़न एक तो ये ऐसे माना जाता है कि इन्फ्लेमेशन हुआ है या इन्फेक्शन हुआ है, और लिम्फोसाइट कम हुए हैं। लिम्फोसाइट ये बॉडी की प्रोटेक्टिव सेल्स होती है, वो कम है, इसका मतलब आपकी इन्फेक्शन हुआ है, तो बॉडी के फाइट करने की सेल्स कम हो गए। बाकी चीज़ें नॉर्मल थी। आगे पैक्ड सेल वॉल्यूम भी देखा गया कि ये कम हुआ है, बिकॉज़ हीमोग्लोबिन कम हुआ है। क्योंकि पैक्ड सेल वॉल्यूम मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल आरबीसीज होती है वो होती है टोटल, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन कम है तो पीसीवी कम आना ही था, और आरबीसी काउंट भी कम आया है। तो आरबीसी काउंट कम है इसलिए हीमोग्लोबिन कम है, क्योंकि आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। जो आरबीसी का नॉर्मल काउंट होता है 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। बाकी चीज़ें वैसे नॉर्मल थी। फिर आगे उन्होंने यूरिन टेस्ट किया। यूरिन में क्या हुआ कि नॉर्मल यूरिन में तीन क्लासेस या तीन तरीके के एग्जामिनेशन होते हैं। एक तो रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, फिर बायोकेमिकल होता है, और फिर माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। तो रूटीन एग्जामिनेशन में तो सिंपल कलर, अपेरेंस, रिएक्शन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये चेक किया जाता है। बायोकेमिकल में देखा जाता है कि प्रोटीन, शुगर, कीटोन, ब्लड, बिलीरुबिन ये तो प्रेजेंट नहीं है ब्लड यूरिन में। और माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं कि एपिथेलियल सेल्स, पस सेल, क्रिस्टल, बैक्टीरिया, आरबीसी तो नहीं है यूरिन में। तो इसमें अभी के लिए तो सब एब्सेंट था, और मतलब यूरिन तो वैसे यूरिन टेस्ट सही था। बट आप देखोगे कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जो एपिथेलियल सेल्स और पस सेल्स है वो थे, मतलब 1 to 2, 2 to 4, है ना। बट ये देखोगे आप तो बायोलॉजिकल रेफरेंस रेंज में ही थे, तो
क्योंकि रेफरेंस रेंज दोनों की, दैट इज़ एपिथेलियल सेल और पस सेल्स की, 0 to 5 है, और ये उसी रेंज में थे। बट फिर भी मुझे किसी ने बताया कि इसमें मतलब बैक्टीरिया यूरिन में मतलब यूरिन यूटीआई है और इन्फेक्शन है। बट मुझे अगर किसी को पता है इसका प्रॉपर डायग्नोसिस तो मुझे बताइए कि ये क्या यूटीआई है कि नहीं। अगर यूटीआई कंफर्म करना होता है तो फर्दर कल्चर किया जाता है, जिसमें क्योंकि इससे सिर्फ यूरिन टेस्ट से आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली एक बस गेस करने के लिए होता है। फिर कल्चर टेस्ट आगे जाके बताता है आपको कि एक्चुअली में इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं, क्योंकि कल्चर टेस्ट में एक्चुअली अगर इन्फेक्शन हुआ होगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ग्रो करेंगे। ठीक है, फिर आगे फिर बहुत टाइम तक ट्रीटमेंट लेने के बाद ऑफकोर्स पैरासीटामोल, डोलो 650, ये सब ट्रीटमेंट फीवर के लिए, और बाकी सेफ्ट्रायोक्सोन वगैरह एंटीबैक्टीरियल्स देने के बाद लीवर पे तो असर पड़ता ही है। फिर लीवर टेस्ट की, किडनी फंक्शन टेस्ट किया कि बाकी सब ठीक तो है कि नहीं। फिर लीवर में SGPT, SGOT, ये एंजाइम्स है, लीवर मार्कर्स है, वो बढ़े हुए पाए गए, क्योंकि उनका रेंज होता है 0.5 to 45 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, और यहाँ पे देखा गया कि ये बढ़े हुए थे 45 से बहुत ज़्यादा, दैट इज़ 76 and 82, ये दोनों बढ़े हुए थे। तो फिर भी अब क्या होता है कि आप पहले लीवर ठीक करोगे कि टाइफाइड ठीक करोगे, तो प्रायोरिटी हो जाती है कि पहले टाइफाइड ठीक करना पड़ता है, तो इसलिए आपको मेडिसिंस कंटिन्यू करनी पड़ती है। तो इसका भी एक सोल्यूशन एक्चुअली चाहिए कि अगर ऐसा केस है तो पैरासीटामोल, डोलो, ये सब इंडिया में अभी भी चल रहा है और बहुत वास्टली लोग लेते हैं, तो इसका क्या रिप्लेसमेंट हम ले सकते हैं? अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम है तो कौन सी एंटीपायरेटिक मेडिसिंस ले सकते हैं? ये आपको अगर किसी को पता है तो बताना आप। और एक है रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें ब्लड, यूरिया, क्रिएटिनिन, नाइट्रोजन, क्योंकि ये क्या होते हैं, अगर आपका किडनी फंक्शन मतलब किडनी की फिल्टर करने की कैपेसिटी अगर अल्टर हो गई तो ये यूरिन में आपको पाए जाते हैं। तो ये अगर नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा आए, इसका मतलब आपकी किडनी प्रॉपर इन चीज़ों को फिल्टर नहीं कर रही है या एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब किडनी में प्रॉब्लम है। तो इसके पहले भी, इसके बाद भी अब बहुत ज़्यादा मतलब फीवर आता है लोगों को, ट्रीटमेंट बहुत चलती है, ये 5 दिन तो नॉर्मल चलता है मेडिकेशन, फिर 15 15 डेज के लिए ओरली मेडिकेशन बोले जाते हैं लेने के लिए, तब भी रिलैप्स होता है, मतलब फीवर जाता नहीं है प्रॉपर। तो कौन वैसे प्रॉपर एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए बच्चों के लिए, कैसे प्रेग्नेंट नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए कौन सी ट्रीटमेंट होनी चाहिए या होती है, या अगर मतलब कहाँ से ट्रीटमेंट, कौन सी मेडिसिन से ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, कहाँ पे वो एंड होगा, मतलब हायर अमीकासिन भी दिया जाता है और एक्चुअली क्लोरामफेनिकॉल बोला जाता है कि टाइफॉइड में दिया जाता है, तो क्या कोर्स होना चाहिए टाइफॉइड के ट्रीटमेंट का? अगर किसी को इसके बारे में एकदम इन डिटेल पता है तो प्लीज़ बताइए।